आप सुन रहे हैं विविध भारती। आज के मेहमान अथ स्वागतम शुभ स्वागतम आनंद मंगल मंगलम आनंद मंगल मंगलम इत प्रियम भारत भारतम इत प्रियम भारत भारतम स्वागतम शुभ स्वागतम अथ स्वागतम शुभ स्वागतम। आज के मेहमान, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो एक साथ कई क्षेत्रों में सक्रिय हैं। वो है लेखिका, वो है सामाजिक कार्यकर्ता। तो आइए सुनते हैं विविध रंगी प्रतिभा की धनी सुधा मूर्ति से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत। आज सुनिए इस बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। नमस्ते सुधा जी। नमस्ते सुधा जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। धन्यवाद। फिल्में जब आप देखती हैं तो हमने सुना है कि आप उसके सारे डायमेंशंस देखती हैं, मतलब एडिटिंग, उसकी सिनेमेटोग्राफी और हर चीज। क्या खास पसंद आता है आपको? क्योंकि सिर्फ संगीत नहीं, संगीत में साहित्य अच्छा होना चाहिए। मुझे बहुत अट्रैक्शन होता है साहित्य और संगीत मिलके। अच्छा। सिर्फ साहित्य नहीं, सिर्फ संगीत में। और दूसरा एक है कि एक्टिंग और स्टोरी का प्लॉट कैसा होता है, वो प्लॉट एक्सप्रेशन कैसा होता है, वो सब अच्छा लगता है। उसको डेवलप कैसे किया? मुझे सबसे अच्छा लगता है संगीत और साहित्य, वो कॉम्बिनेशन। इसीलिए मुझे साहिर लुधियानवी बहुत अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब आप इतना बात कर रही हैं कि एक्टिंग और उसकी स्टोरी कैसे डेवलप की गई, ठीक है प्लॉट तो बहुत सारों का एक होता है लेकिन सफल एक ही दो फिल्म होती है, कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद है? नहीं, ये तो मुश्किल है क्योंकि मुझे 50 to 60 सम मूवीज पसंद है, 60 to 70 बहुत सम पसंद है। ये 10 साल में 4-5 मूवी मैं बता सकती हूँ, अभी 70 साल में 50 मूवीज तो बता सकती हूँ। लेकिन मैं बोलती हूँ मधुमती 1958 का परख मूवी है, आई थिंक 1954 साधना लगता है मुझे। परख सजना बरखा बाहर आई अखियों में प्यार लाई, क्या बात है, ब्यूटीफुल गाना है, ब्यूटीफुल मूवी है। मुगले आजम बहुत पसंद है, देन संजीव कुमार के बहुत मूवी पसंद है, अमिताभ बच्चन के, शशि कपूर के, ऋतिक रोशन के, राज कपूर के, देवानंद के, देवानंद की मूवी बहुत पसंद है मुझे। ब्यूटीफुल संगीत लाइक जयदेव एंड साहिर लुधियानवी एंड देवानंद एंड साधना एंड नंदा ऑल टुगेदर, हम दोनों बहुत अच्छा सिनेमा था। गाइड बहुत अच्छा सिनेमा था, लगान अच्छा है, दंगल अच्छा है, आराधना अच्छा है, बहुत मूवीज अच्छे हैं। मतलब पता चल रहा है कि आपको फिल्में बहुत पसंद है। बहुत पसंद। आई लव बॉलीवुड मूवीज एंड म्यूजिक। म्यूजिक खासतौर से, और खासतौर से वो गीत जिसमें साहित्य भी जुड़ा हो। या वीरधारा में एक गाना है जी, जानम सोच लो मैं यहाँ बोल है वो। वाह 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 वाह। जानम सोच लो मिट गई दूरिया मैं यहाँ। शाहरुख खान और प्रीति जिंटा का जी, वो पाकिस्तान में होती है, वो हिंदुस्तान में होता है। बहुत ब्यूटीफुल सॉन्ग, ब्यूटीफुल मीनिंग। तो आपकी जानकारी हर क्षेत्र में है। अब हम ये जानना चाहते हैं कि घर के अंदर आपके अपने घर में क्या क्या स्थिति क्या है, बच्चों को पालने में आपका क्या रोल है और नारायण जी का? नारायण जी का शायद बहुत कम रोल है क्योंकि वो बच्चे यंग थे ना उस समय, वो इन्फोसिस में बिजी थे जी। और मेरे माता पिता नीचे रहते थे, हम ऊपर रहते थे। अच्छा। इसीलिए उनको ज्यादा इन्फ्लुएंस मेरे माता पिता का हुआ और मेरा भी हुआ जी। मेरा लड़का रोहन एक इंटरव्यू में बताया कि हमने हमारे पिता से हार्ड वर्किंग वो सब सीखा, लेकिन माता से मैं लिटरेचर, कंपैशन और करेज लेना के लिए, करेज लेना, लोगों को मदद करना हम हमारे माता से सीखा है। और रोहन को मैं हर रोज एक कहानी बताती थी, इंडिया का इतिहास, हमारे भारत का इतिहास बोलती थी। हमारे नाना जी इतिहास के टीचर थे, मेरे माता जी भी इतिहास के टीचर थे, हम बच्चों को इतिहास बहुत अच्छे पढ़ाते थे। इसीलिए रोहन ने मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी हार्वर्ड में शुरू किया कि इंडिया के बारे में, भारत के बारे में उसको कितना मालूम हुआ। और वो बोलता है इतना अगणित संपत्ति हमारे पास है लेकिन लोगों को मालूम नहीं, इसीलिए वो मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी शुरू किया। मूर्ति क्लासिकल लाइब्रेरी के बारे में ही हम बात करना चाह रहे हैं, वाकई बहुत बहुत ही वृहद है। और उसमें जिस तरीके से, मतलब मनु से लेकर आज तक की सारी चीजें हैं, तो ये मतलब आपके बेटे का ये कल्पना थी या आपकी कल्पना?
नहीं, मेरे बेटे का था, कंप्लीट उसका है। एक बार हम बोल रहे थे, मैं हार्वर्ड लाइब्रेरी में गई थी उसके साथ, वो हार्वर्ड में पढ़ता था जी। उधर लोब्स सीरीज है, लोब वॉज जर्मन आई थिंक, और जर्मनी में क्लासिक्स कितना है, और इंग्लिश में वो ट्रांसलेट नहीं होता है, लोगों को जर्मन ओरिजिन लोगों को मालूम भी नहीं होता है कि ऐसा क्लासिक्स वर्क थे, इसीलिए वो लोब सीरीज शुरू किया। अच्छा। ऐसे रोहन ने मुझे एक बुक दिखाया और उसके बारे में हम दोनों बात कर रहे थे जी। बाद में रोहन ने बताया कि हम क्यों नहीं कर सकते हैं, देन वो बहुत रिसर्च किया और बताया कि अम्मा इंडिया में संस्कृत, उसके अलावा लोकल लैंग्वेज उर्दू, हिंदी, बंगाली, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, इफ यू टेक ऑल दीज लैंग्वेजेस, the amount of classic literature we have produced in the last 2000 years is many many times more than Greek and Latin put together. Ji, kya baat hai? So he said it has to come out in English translation because nobody can read original. Non other people, like if it is in Malayalam, I can't read in Malayalam. Ji. If it is in Hindi, yeah. I know I can manage to speak, but I can't read and enjoy. Yeah. So he said English is inevitable. So one side is original, other side is English. So he has done Manusmriti, then he has done Ayini Akbari, then I think Akbar Nama. Akbar Nama, ji, ji, ji. And then Ram ka charit hai usme. Ram charit manas he has done. Arjun, Kartivir Arjun, Kirat Arjuniya he has done. Vedic cheeze hai usme. Harishchandra Kavya. Ji. So every year he brings 3 or 4 books, but he pays money. He's not a scholar to do all those things. Scholars do, but he pays money. और बहुत अच्छे उच्च स्तरीय उसमें ट्रांसलेशंस करवाए गए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट बुक तेरावाड़ा, आई थिंक तेरावाड़ा और तेरावाता, दैट बुक इज इन पाली, रिटन 2200 इयर्स बैक बाय यंग बुद्धिस्ट नन्स एंड द ट्रांसलेशन वाज डन इन सिलोन। क्या बात है। रामचरितमानस वाज डन बाय समबडी हु इज एन एक्सपर्ट, एंड अवधी लैंग्वेज आई थिंक was read by today's Maharaja of Ayodhya, he was reading that, you know, in Sammelan. It is his idea. But, you know, over a period of time, he learned from me, because I used to always tell children, in Bharat, aisa ek mahan rashtra hai, itne puratan aur achhe vichara hai. Rugved ne bolta hai, ano bhadrani, he says, kritantu, he says, let all noble thoughts come from all directions. जी. हम तो बहुत open लोग हैं, unlike others. हम बोलते हैं सब किधर किधर अच्छा है, सब आने दो. मतलब हम ऐसा एक महान देश का महान लिटरेचर जग को होना चाहिए, मैं कभी भी बोलती थी, लेकिन उसका आइडिया है, लेकिन हम घर में ये बोलते हैं उसका परिणाम वो किया, इसीलिए मैं माता पिता को बोलती हूँ, आप क्या बोलते हैं बच्चों वो एब्सॉर्ब करते हैं। आप किसी के ऊपर जलस हो गया कंपेयरिंग करना, क्या ऐसा है वो ऐसा है ऐसा किया, तो बच्चे लोग वही एब्सॉर्ब करते हैं जी। बच्चों के साथ अच्छा भी बोलना और बताना, देखिए ये हमारा इतना है। मैं एक मामूली का एक विषय बोलती हूँ, मेरी लड़की 8 साल की थी जी। सिंड्रेला में वो सिंड्रेला ऐसा चुनाई गई थी। अच्छा। और टीचर ने बताया वो व्हाइट ड्रेस प्रिंसेस ड्रेस सिलवाना चाहिए, क्योंकि वो बहुत इम्पोर्टेंट जी। और लड़की आके मुझे बताया कि अम्मा मुझे ऐसा चाहिए जी। हमने बताया ए मंथ एंड है, हमको नहीं हो सकता, उस समय इन्फोसिस बहुत छोटा था जी, जी। और हम अफोर्ड नहीं कर सकते जी। वो बताया नहीं मैं सिंड्रेला होती हूँ चाहिए, बताया बेटा सिंड्रेला हो सकती है लेकिन ड्रेस नहीं हो सकता है। अच्छा। और मैंने उनको बताया कि ऐसा नहीं मैं आपको झूठ बोलती हूँ, घर में इतना खर्चा होता है, ऐसा मैं बताया जी। और वो स्कूल में जाके टीचर को बताया हमको ड्रेस नहीं हो सकता है, और कोई और सिंड्रेला बन गई, वो उसके साइड रोल। इससे हमारे बच्चे को मालूम हो गया कि द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी, ऐसा नहीं कि एट एनी कॉस्ट आई विल ब्रिंग, ऐसा नहीं है। क्या नहीं होता है वो बच्चों को सिखाना चाहिए, ये अफोर्ड होता है अफोर्ड नहीं होता है, मतलब बच्चों की सारी मांग पूरी करना जरूरी नहीं है। नहीं 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 जरूरी है। हमारे पास पैसा आ गया ना, उस समय रोहन एक बार आके बताया मुझे, मेरा क्लासमेट्स का बर्थडे 5-स्टार होटल में है, हमारा बर्थडे को आप सिर्फ कचौरी और फ्रूटी ऐसा देते हैं, क्यों 5-स्टार होटल में नहीं करते हैं। अच्छा। उस समय हम
उनको नहीं ऐसा नहीं बता सकती थी हमारे पैसा पास पैसे नहीं, क्योंकि हर रोज हमारा संपत्ति के बारे में अखबार में आता था जी। फिर इसीलिए हमने बताया, रोहन देखो एक बार उसको हमने हम ट्राइबल विलेज जाती थी लेके गए जी, और दिखाया देखो कितने बच्चे हैं बेटा, वो सब आप जैसे आपके बेहतरीन स्टूडेंट्स हैं जी, इनको उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है जी। ये संपत्ति का उपयोग ऐसा है कि फाइव स्टार होटल में आपने एक दिन बर्थडे मनाया तो सब वाह वाह बोलेंगे जी, लेकिन उससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। वही पैसा आप इकट्ठा करके ये लोगों को सिखाने के लिए दिया तो जी, उनका लाइफ बदला है। आपको वो लगता है 10,000 रुपया 25,000 रुपया ज्यादा नहीं होता है, लेकिन उनको 25,000 रुपया दिया तो उनका लाइफ अलग हो जाता है जी। वो काम आप करना, क्या बात है। वो तुलना करके पांच स्टार होटल में किया तो कुछ नहीं मिलता है, लेकिन एक काम से लोग अच्छे होते हैं और उनका लाइफ बदल जाता है, क्या बात ऐसे है। उसको हमने लेके वो बस्ती को लेके दिखाया, हमने कन्विंस किया जी। और चूंकि आप कर रही थी खुद, तो जाहिर है कि बच्चे जल्दी इस बात को समझ जाते हैं कि किया भी जा सकता है, सिर्फ केवल उपदेश नहीं है ये। हमने अभी नया बच्चा नहीं 25 साल 25 साल से, तो मैं बच्चे को बोलती हूँ तो क्या है उतने में हम खुश है जी। इसके लिए ये करना, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए। अरे लोगों को ऐसे ही बोलते हैं, इम्प्रेस भी होते हैं और हमारे पीछे कुछ भी और बोलते हैं। लोगों के लिए हम जीवन नहीं करना, हम हमारा कॉन्शियस रख के जीवन करना है, मतलब खुद को जो ठीक लगे वो करना चाहिए। वो लीगली एथिकली बराबर। अच्छा सुधा जी, जब आप पसंद की बात कर रही हैं, तो सुधा जी अपनी साड़ियों के लिए पहचानी जाती हैं, तो जब आप साड़ी पहनती हैं और वेणी लगाती हैं, तो कहीं आपको इसकी वजह से कहीं कोई दिक्कत आई या ऐसा लगा आपको कि हम कुछ पाश्चात्य तरीके के मॉडर्न कपड़े पहनते तो प्रभाव अच्छा पड़ता, कुछ ऐसा हुआ कभी? क्यों, अभी पाश्चिमात्य देश में देखिए वो क्या इंडियन कपड़े पहनते क्या? नहीं पहनते जी, ये पाश्चिमात्य उनके देश में है ना। हम हमारे हमारे भारत के बारे में बहुत अभिमानी है, ये हमारा कपड़ा है, ये हमारा कल्चर है, हमारा संस्कृति है जी। हम पहनते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आनंद लगता है। हम एक देश गए थे आइसलैंड के, मुझे मालूम नहीं क्यूबा के दर, वो हम कभी भी बाहर जाते हैं ना साड़ी पहनते हैं जी। उस समय वो लोग बोलते हैं कितना अच्छा, कितने लोग फोटो लेते हैं हमारा जी। मेरे कभी भी मुझे हमारा देश के बारे में मुझे अभिमान है, गर्व है जी। कभी भी मुझे कमी नहीं महसूस होता है। सुधा जी एक बात और है कि स्पिरिचुअलिटी की बात अभी आपने बहुत थोड़ा सा किया, इसी के बारे में हमारे एक श्रोता लिखकर क्षितिजा जी ने पूछा है कि कैसे मार्गदर्शन कर सकता है ये अध्यात्म हमारे जीवन का? अध्यात्म से हम शौक ले सकते हैं। अभी सबको ऐसा लगता है कि 2+2=4, 4+4=8 जी, ऐसा जीवन नहीं होता है। आप देखिए अभी ये पैंडेमिक आ गया ना जी, कोविड, अभी कोई नहीं सोचा था एक साल पहले जी ऐसा लाइफ हो जाता है, घर में बैठना हो जाता है, बाहर नहीं जाते हैं, जॉब जाते हैं, इकोनॉमी फेल होता है, लाइफ में अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आ जाते हैं जी। उस समय हमारा सब प्लान उल्टा पलटा हो जाता है, इसीलिए अध्यात्म है तो वो शौक, हम अध्यात्म है लेकिन शौक एब्जॉर्बर, हम हमारे काम किया वो ज्यादा होता है, वो भगवान की इच्छा। अच्छा। ऐसा किया तो हमें शांति होता है, इसीलिए मुझे लगता है अध्यात्म का झलक सबको होना चाहिए, लाइफ में बहुत अनएक्सपेक्टेड थिंग्स होते हैं। और शायद आपकी माँ या नानी कहती थी कि सेव मनी फॉर रेनी डेज सीजन, रेनी सीजन, हमारी माँ बोलती थी जी। मेरे शादी हुआ उस समय हम ससुराल जा रहे थे, हमारे अम्मा ने अंदर बुला के बोल दिया, देखो बेटा आप एडजस्ट सबसे होती है मुझे मालूम है, लेकिन एक बात बताती हूँ कि आप हस्बैंड के पति के बिना नॉलेज जरा पैसा सेव करना, क्योंकि ये पैसा होता है ना आपत धन, कभी बहुत मुश्किल टाइम होता है ना उस टाइम में भी आप टाइम में ही आप यूज करना, ज्वेलरी के लिए, साड़ी के लिए, ऐश आराम के लिए नहीं करना जी। और आपके सैलरी में जरा पैसा, उनके सैलरी में जरा पैसा आप निकाल के एक अकाउंट में, डब्बा में, किधर भी रखिए, और ये आपत धन होता है जीवन में, और ये आपा धन कभी यूज करना आपके हिसाब से आप सोच के करना, शायद चिल्ड्रन का एडमिशन टाइम होगा जी, शायद बीमारी आ जाएगा, वो आपके दैट इज योर डिस्क्रिमिनेशन पावर शी टोल्ड मी। क्या मतलब? ऐसे हमने 10,250 रुपया सेव किया था उस जमाने में 78 साल में, और एक बार नारायण मूर्ति घर आ गए और बताया
कि हम तुरंत खुद का कंपनी खोलते हैं। इंडिया में सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन आ गया है, आपको हिस्ट्री बहुत अच्छा मालूम है। कभी मशीनरी का रेवोल्यूशन था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उस समय हम भारत देश वासी गुलाम थे ब्रिटिशर को, उसका फायदा हमको नहीं हुआ, ब्रिटिशर को हुआ। अभी एक अच्छा एक मौका हमारे देश को आ रहा है, वो है सॉफ्टवेयर रेवोल्यूशन, और मैं एक खुद का कंपनी बनाने का लिए सोच रहा हूँ, मुझे मदद चाहिए। और मैंने सोचा कि मेरे पति क्या पूछ रहे हैं, अयाज के लिए नहीं, साड़ी के लिए नहीं, कुछ के लिए नहीं, वो एक कंपनी के लिए पूछ रहे हैं। अच्छा। और हमने उनको 10,000 रुपया दिया उस समय, ये दिया है 1981 में दिया। बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ी रकम है ये उस समय वो जी जाहिर है उसी समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी जो आपने दी। और अपनी बचत से, जो हम लोग आमतौर पे हमारी सखियां और हमारी जो महिलाएं हैं वो कहती हैं कि वही आपने जैसे कहा गहने कपड़े इन सब के लिए रखते हैं। मैं बोलती हूँ कपड़े 2 दिन पहनने के बाद वो पुराना हो जाता है जी, वो ये पैसे हम रखना चाहिए मुश्किल टाइम के लिए, कोई मदद नहीं कर सकता है उस समय ये पैसे निकलना। आप खाना बनाना भी पसंद करती हैं सुधा जी? नॉट मच, मुझे टाइम ही नहीं मिला। मेरा शादी होने के बाद नारायण मूर्ति मुझसे अच्छा खाना बनाते थे। अच्छा। मैं उनको मदद करती थी। मेरे माँ के घर में रसोई में महाराष्ट्र है। लेटर यू नो आई डिड सम कुकिंग बट आई कैन सर्वाइव बट आई एम नॉट अ ग्रेट कुक। लेकिन अगर आपको टाइम मिले सुधा जी को, सुधा मूर्ति को अगर समय मिले तो क्या बनाना पसंद करेंगी? मुझे सांबर करने बहुत अच्छा लगता है। रोटी करती हूँ मैं, सब्जी करती, मुझे रोटी सब्जी सांबर राइस कड़ी इतना आता है, ज्यादा नहीं आता है, तो 3-4 वैरायटी सब्जी करती हूँ। अभी तो इतना काम होता है मुझे, बाद में मेरी मदर करती थी नीचे हमारे घर में। मेरे मायके में कभी भी महाराज ही थे क्योंकि हमारा जॉइंट फैमिली था, घर में 8-10 लोग बच्चे लोग पढ़ते थे, इसीलिए हमारे घर में कभी भी महाराज था। बाद में हमारे अम्मा नीचे आ गई और हम ऊपर रहते थे, उस समय वो मदद करके करती थी, मैं मदद करती थी, लेकिन फुल कुकिंग मुझे इतना ही आता है। चलिए कोई बात नहीं, आप बाकी जो इतना ज्यादा कर रही हैं वो शायद हम सब की कल्पनाओं से भी बहुत परे है और बहुत सारे लोगों के आप प्रेरणा स्रोत हैं। आप देश के बारे में हम जब बात कर रहे हैं तो संस्कृत भाषा आप बोल लेती हैं शायद थोड़ा बहुत? बोलती थी वंस अपॉन ए टाइम, अभी नाना जी हो जाने के बाद अभी बोल नहीं सकती हूँ, लेकिन 100% अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। मेरा ग्रामर उतना अच्छा नहीं, लेकिन मेरा वोकैबुलरी अच्छा है। कोई एक श्लोक आप सुनाना पसंद करेंगी इस वक्त? बहुत श्लोक है, दिस वन आई लाइक अ लॉट। परोपकारम वहंती नद्यः, परोपकारम फलंती वृक्षः, परोपकारम दुग्धंती गावः, परोपकारम इदम शरीरम। इस श्लोक से एक नदी उसका पानी वो नहीं पीती है जी। उसकी पानी वो नहीं पीती है। एक वृक्ष उसका फल वो नहीं खाता है जी। एक गाय उसकी दूध वो नहीं पीती है जी। इसीलिए ये मानव जन्म हमको मिला है ना, ये हमारे लिए नहीं, परोपकार के लिए। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में पति पत्नी में झगड़ा होता है कि नहीं? कभी होता है ना, अब तो नॉर्मल कपल है, बहुत सारे होता है। हम क्या करते हैं, मुझे आई डोंट गेट एंग्री। अच्छा, आप गुस्सा नहीं होती? आई डोंट गेट एंग्री, इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मूर्ति एंग्री हो जाने के बाद मैं शांत होती हूँ और मैं मूर्ति को बोलती हूँ, एज अ फ्रेंड एज अ वाइफ आई विल टेल यू दिस, हाउएवर डिसीजन इज योर्स। कभी मैं सब में सहमत हूँ ऐसा नहीं है, कभी सहमत नहीं होती हूँ उस समय मैं बोलती हूँ। आपके दोस्त के नाते मैं बोलती हूँ ये बराबर नहीं, आपके पत्नी के नाते मैं बोलती हूँ आप क्या करते हैं वो बराबर नहीं है। अच्छा। आप पैसे किधर देते हैं, किसको देते हैं, वो बराबर नहीं, लेकिन आपका एक खुद का मामला है, आपका डिसीजन आप ही लेना चाहिए जी। मुझे मेरे हिसाब से ये बराबर नहीं है, उससे ज्यादा हम नहीं बोलते, यानी अपनी राय दे देती है, बाकी निर्णय उनके हाथ में होता है, निर्णय वो करना चाहिए, और कंट्रोल नहीं करती हूँ मैं कभी भी मूर्ति से कंट्रोल नहीं करती, क्योंकि मुझे लगता है सबका एक जन्म होता है, सबका खुद का टेस्ट अलग होता है, सबका एक राय अलग होता है, सबका वो रिलेशनशिप अलग होता है। अभी देखिए उनका फ्रेंड मेरा फ्रेंड नहीं है, इसीलिए उनका फ्रेंडशिप अलग होता है, वो पैसे वो देना चाहिए तो दे, उनका वो रिलेशनशिप अलग होता है, इसीलिए अंदर टू मच जाके कंट्रोल नहीं करती हूँ जी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत अच्छी बात है, हमें लगता है हमारे बहुत सारे श्रोताओं को इससे सबक मिलेगा। लेकिन कभी नाराज होते हैं तो क्या आप गाना गा के मनाती हैं उनको क्या? नहीं नहीं, वो मूर्ति अपसेट हो जाती है, मैं बोलती हूँ मूर्ति जी अभी नाराज है, दो घंटे टाइम लीजिए, बाद में आप सोच के वापस आइए, न
नाराज कभी होते हैं ना, उस समय डिसीजंस करेक्ट नहीं होते हैं जी। इसीलिए जरा शांत हो जाइए, बाद में आप आइए। मूर्ति जी का वॉइस बहुत अच्छा, बेहतरीन है, इसीलिए उनको वही गाना गाते हैं मेरे, मोर देन मी। अच्छा, मुझे बोल मालूम होता है, उनको ट्यून मालूम होता है। कौन सा गाना उनका फेवरेट है? मूर्ति का फेवरेट गाना, वो कनाडा में बहुत एंजॉय करते हैं। अच्छा, स्कूल मास्टर ऐसा एक था मूवी, उसका पुअर वर्शन वॉज डन, लेकिन मूर्ति को लगता है मुझे हिंदी गाना में क्या अच्छा लगता है, उनको पूछना चाहिए। जागृति एक सिनेमा था, उसका गाना जागृति का, ओ बच्चे तुम्हें दिखाए जाके हिंदुस्तान की, स्मृति से तिलक करे है जल धरती है बलिदान की, वंदे मातरम। अच्छा, अभी फिल्मों की बात आ रही, तो आपने मराठी फिल्म में भी काम किया और एक कन्नड़ फिल्म में भी काम किया है अभिनय? फिल्मों में ऐसा मराठी फिल्म में काम नहीं किया है, लोगों को लगता है फिर? लेकिन मेरे एक नॉवेल है ना, वो मराठी में सिनेमा हो गया, पितृऋण। हाँ, पितृऋण जी जी। अच्छा अच्छा, तनुजा उसको हीरोइन थी। कनाडा में मेरे दोस्त के एक फिल्म था प्रार्थना, नाम था प्रार्थना, और वो बता दिया एक छोटा रोल कीजिए। मैंने बताया मुझे एक्टिंग नहीं आता है जी, मुझे ऐसा रोल दीजिए उधर एक्टिंग नहीं है, वो मुझे जज का रोल दिया। अच्छा ओके और मुझे एक्टिंग पसंद नहीं है, वो बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, सिनेमा एंजॉय कर सकते हैं लेकिन एक्टिंग बहुत मुश्किल काम है। सुधा जी, हम अब तो जैसे लग रहा है कि बात तो खत्म नहीं होगी, लेकिन खत्म तो करना पड़ेगा, लेकिन इस वायदे के साथ कि आप मुंबई आए तो हमें मौका दें, या हम बेंगलोर आए तो आप हमें मौका दें, हम रूबरू आपसे बात करना चाहते हैं। डेफिनेटली डेफिनेटली वी विल डू। मैं बचपन से ही आपका विविध भारती मुंबई बॉम्बे बोलते थे उस समय जी, हम सुनते थे, बहुत एंजॉय करते थे। अच्छा याद है विविध भारती का। कौन सा कार्यक्रम आप सुनती थी, कुछ याद है आपको पर्टिकुलरली? योर फौजी, फौजी जयमाला, और सुबह 7:30 बजे एक प्रोग्राम होता था। उस समय मैं मुंबई में थी ना, उस समय मैं डब्बा बनाती थी ऑफिस को जाने के लिए, उस समय मैं 7:30 को वो लगाती थी। उस समय सेलफोन ऐसा कुछ नहीं था ना जी, और मेरा काम करते मैं सुनती थी शास्त्रीय संगीत के संगीत सरिता जी। उसमें भैरवी राग मुझे बहुत पसंद है जी। मैं बोलती हूँ ये राग भैरवी मैं सिनेमा से ही सीखा, कैसे आऊ जमुना के तीर और लागा चुनरी में दाग, ब्यूटीफुल। सो दैट संगीत सरिता एंड जयमाला माय फेवरेट प्रोग्राम। आज के मेहमान इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे विविध रंगी प्रतिभा की धनी सुधा मूर्ति से रेणु चतुर्वेदी की बातचीत का दूसरा और अंतिम भाग। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग और संयोजन तेजश्री शेट्टे का था, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज के मेहमान, अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम, आनंद मंगल मंगलम, आनंद मंगल मंगलम, इत प्रियम भारत भारतम, इत प्रियम भारत भारतम, स्वागतम, शुभ स्वागतम, अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम।